गाइस पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एनिमल पसंद आई है और अगर आप वॉलेंट फिल्म पसंद करते हैं, वॉलेंट गेम्स खेलते हैं, तो भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी अगर आप वॉलेंट्स एंजॉय करते हो तो आप फ्यूचर क्रिमिनल बनने वाले हैं फॉर श्योर। तो गाइस आपको स्वागत है। एंड जनरली यार ध्रुव राठी के वीडियो बहुत सही बनते हैं, मैं देखता हूँ एजुकेशनल पर्पज से भी बनाता है, बायस्ड होता है इंसान और बायस्ड होते हैं कहीं ना कहीं वीडियो, तो कोई बात नहीं यार, सब बायस्ड होते हैं, सबके एक ओपिनियन होते हैं। एंड यही मैंने देखा मेरी फीड पे आया एनिमल का वीडियो, उसने कैंसिल बता रखा था, तो मैंने कहा दैट्स फाइन यार, सबका चॉइस है, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को कैंसिल लग सकती है, उसमें क्या यार, सिनेमा सब्जेक्टिव है। और फिर मैंने इग्नोर कर दिया। बट शान ब्रदर का ना एक कमेंट आ रखा था कि सबने कुछ लिखा होता उसने कि वन साइडेड नैरेटिव है और ये सब है, तो मैंने सोचा यार वीडियो देखी जाए, कोई बात नहीं। एंड वीडियो मैंने देखनी शुरू करी, उसने बताया कि थोड़ा सा हिस्ट्री बताई वॉलेंस के बारे में, थोड़ा सा दिया आइडिया, मैंने कहा ठीक है हाँ होता है, बॉलीवुड करता है, और एग्री करता हूँ कई चीज़ों में यार कि बॉलीवुड सेक्सुअलाइज करता है लड़कियों को और ऑब्जेक्टिफाई करता है, वॉलेंस प्रमोट करता है और ये सब चीज़ें करता है, एग्री विद। अगर आप एनिमल मूवी वॉलेंस देख रहे हो बेसिकली उसका अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी, तो उसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर रेपिस्ट हैं, फ्यूचर क्रिमिनल हैं और आप सैडिस्ट हैं। तो मैंने कहा वाओ यार, मतलब है तो हिल गया ये सुन के और देख के कि यार इतना वन साइडेड नैरेटिव। और मुझे ना वो याद आ गए जो स्कूल में बच्चे नहीं होते थे बहुत ही स्टूडियस से, बहुत ही साफ सुथरे से और बहुत ही मैडम की हाँ हाँ मैं जी जी करने वाले, एग्जैक्टली मुझे ये वीडियो देख के और ध्रुव राठी को देख के ये फीलिंग आई कि यार वाओ, मतलब कि यार पूरी जो गेमिंग इंडस्ट्री है और जो लोग गेम्स खेलते हैं, GTA 6 आने वाली है, इतना वेट कर रही है पूरी दुनिया, और वॉलेंस देखते हैं, रेड रिडेम्पशन गेम्स हो गई, जॉन विक की सीरीज हो गई, एवेंजर्स भी हो गई यार, उसमें तो वॉलेंस होती है एक तरह से, चाहे ठीक से नहीं दिखाई जाती बट दिखाई तो जाती है ना, सारी फिल्म्स जो होगी भाई सारा एक तरह से जो एक पॉप कल्चर है ना वो सब खत्म कर दो ना, फिर आप सब बैन कर दो, क्योंकि यार एनिमल मूवी है और जो वॉलेंस है यार ये तो गलत है ना, ये तो मतलब सोसाइटी के लिए मतलब यही एक ऐसी चीज़ है कि यही क्रिमिनल बनाती है, प्रूवन फैक्ट हो चुका है ये। गाइस सिंपल सी बात है यार, मेरा कहना ये है, इस वीडियो का पर्पस बनाने का यही था कि मुझे देख के बड़ी अजीब लगी यार कि इतना बड़ा कोई यूट्यूबर अपने पर्सनल वीडियो ओपिनियन रख रहा है और उसमें सबको पेंट कर रहा है कि अगर आप एनिमल इन्जॉय कर रहे हैं तो आप सैडिस्ट हैं, आप क्रिमिनल हैं, लॉजिक है इस बात का। तो मेरा एक छोटा सा यही चीज़ मानना है कि भाई सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है और फिल्मों देखने का स्टाइल होता है ना, हमें राइट दिया गया ना कि भाई हम अपने चॉइस से कुछ भी देख सकते हैं, 18 प्लस हैं तो अपने हिसाब से हम कुछ भी देख सकते हैं। और ये फिल्म रिलीज़ हुई है भाई, बाकायदा ये फिल्म गई है सेंसर बोर्ड पे, सेंसर ने इसे पास किया है, एडल्ट फिल्म बनाई है, ट्रेलर में दिखाया भी गया है। उसके बाद में आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार इसको ऐसा क्या, मतलब देश में ऐसा क्या संकट आ गया, मूवी है ख़त्म, मूवी आएगी ख़त्म करो भाई, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ध्रुव राठी क्या टीच करने की, क्या स्कूल टीचिंग देने की कोशिश कर रहे थे कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिसको एनिमल पसंद आई है उसको दिखाओ कि भाई तू कैसा है, तू कितना सैडिस्ट है। इसका मतलब भाई ध्रुव राठी तू अगर नेटफ्लिक्स में प्रमोट करता हुआ, अमेजोन प्राइम में फिल्में प्रमोट करता हुआ दिखा रहा, तो भाई तुझसे बड़ा दोगला इंसान कोई नहीं है। अमेजोन प्राइम की सीरीज चल रही है द बॉयज, नेटफ्लिक्स इतने टाइप के वॉलेंस फिल्में बनाता है, वॉलेंट फिल्में बनाता है, तू वो भी प्रमोट कर पैसे के लिए, फिर तू भी तो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए भाई वॉलेंस फिल्में बना रहा है तो तू भी तो पैसा बना रहा है ना उसमें, उसमें फिर दूसरे को तू क्यों जज कर रहा है, क्यों कह रहा है। और मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहूँगा कि संदीप रेंडी वागा के भाई हालात हो सकते हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, फिल्म आई है एनिमल पे करो भाई, ट्रोल करो अच्छी बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बट तू पूरे फैंडम को नहीं कह सकता ना कि भाई वॉलेंस तू इन्जॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम तो सैडिस्ट हो। दिस इज़ वेरी फनी। एंड आप अपना ज़रूर मुझे ओपिनियन बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में। और आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस, यार बहुत हो गया एनिमल एलम, जस्ट मूव ऑन, अब नई फिल्मों की बात करूँगा, नई चीज़ें आने वाली है उसके बारे में बात करूँगा। एंड ऑडियंस के इंटेलिजेंस पे मैं हमें छोड़ देना चाहिए कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो लेट्स होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय।